आजमगढ़ सदर लोकसभा सीट से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इससे पहले अखिलेश ने आजमगढ़ में रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी किया और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। इस दौरान अखिलेश के साथ बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी मौजूद रहे। सतीश मिश्रा जिंदाबाद, बहन मायावती सतीश मित्रा, अखिलेश यादव बहन मायावती, आदरणीय मिश्रा जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप सबके दिलों के चहेते और आजमगढ़ के आपके प्रत्याशी के रूप में आज यहाँ मौजूद श्री अखिलेश यादव जी, बहुजन समाज पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, सम्मानित कई राज्यसभा के और लोकसभा के जो सांसद यहाँ मौजूद हैं, वर्तमान और पूर्व के, गुड्डू जमाली जी जो हमारे आजमगढ़ से एमएलए हैं, हमारे अन्य सभी यहाँ पर मौजूद नेतागण मंच पर और सामने मौजूद हमारे साथियों, आज मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से आज आपके बीच में उत्साह है कि आप एक एक क्षण का इंतजार कर रहे हैं कि कब माननीय अखिलेश यादव जी आ करके आपके बीच में अपनी बात रखें। इस बात को आपके उत्साह से नजर आ रहा है और इसीलिए मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जिस दिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हुआ, उसी दिन से यहाँ जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उनको रास्ता दिखाने का दिन शुरू हो गया और उनको उत्तर प्रदेश से बाहर भेजने का आपने उसी दिन रास्ता मन बना लिया और उसी का एक उत्साह आज तो सिर्फ नॉमिनेशन करने के लिए आए हैं। और इस नॉमिनेशन में जब इतना उत्साह है तो जब 8 मई को, जिसमें कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी और श्री अखिलेश यादव जी दोनों एक साथ मंच में आजमगढ़ में होंगे और आप लोगों को संबोधित कर रहे होंगे, तो उस दिन आजमगढ़ को देखने के लिए यहाँ के जितने भी मीडिया के लोग हैं आजमगढ़ को दिखाने के लिए मजबूर हो जाएंगे और पूरे देश में ये संदेश जाएगा कि ये बदलाव की आंधी है और ये बदलने का काम आज समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ने मिल करके करने का काम किया है। अब इसको रोकने वाला कोई नहीं है। यहाँ से जो पहले चरण में वोट पड़े हैं, जो आज वोट पड़ रहे हैं, वोटों की जिस तरीके से बारिश हो रही है गठबंधन के प्रत्याशियों को, इसने नींद उड़ा दी है लोगों की, उनके तंबू कनातों को उखाड़ करके फेंकने का काम कर दिया है। और आज सिर्फ अगर झंडा दिख रहा है तो बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का झंडा एक साथ में दिखने का काम हो रहा है इस पूरे प्रदेश में, एक कोने से लेकर के दूसरे कोने से। मैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आज बहन मायावती जी का बिहार में प्रोग्राम था और मुझे भी उनके साथ में जाना था, लेकिन उन्होंने हमको निर्देश दिया कि नहीं, श्री अखिलेश यादव जी आज अपना नामांकन दर्ज करने जा रहे हैं आजमगढ़ में, आप हमारे साथ नहीं जाएंगे, आज आप श्री अखिलेश यादव जी के साथ में जाकर के हमारा संदेश देने का काम करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो किसी भी यहाँ आजमगढ़ से लेकर के आजमगढ़ करके इर्द गिर्द जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग चाहे चुनाव के मैदान में हो या ना हो, वो एक एक जगह अपना वोट डालने का काम कर रहे हैं गठबंधन के प्रत्याशियों का। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी के भी जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे कार्यकर्तागण हैं, उनसे हमारा बहन जी की तरफ से अनुरोध है कि वो अपना एक एक वोट डलवाने का काम करेंगे और यहाँ पर आप जो हैं माननीय अखिलेश यादव जी को जिताने का ही काम नहीं करेंगे। जब एक साथ हो गए हैं तो फिर कुछ इतिहास बनाने का भी काम करिए, भारतवर्ष का इतिहास आजमगढ़ से रचने का काम करिए। और इसी के साथ ज्यादा वक्त आपका न लेते हुए, पुनः इस अपील को दोहराते हुए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत।